ठीक हो गया आज मैं काफी दिनों बाद एक आप लोग के लिए बहुत मेक, प्यारी सी ब्यूटिफुल सी एक मेकअप लुक लेके आई हूँ कोई स्पेसिफिक वीडियो नहीं है आज किसी चीज के बारे में सिर्फ मैं आप लोग को दिखाऊंगी की मैंने ये मेकअप लुक कैसे अचीव किया और आप क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं और लिटरली आप कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लिटरली फेस के लिए फेस मेकअप के लिए आईज़ मेकअप को छोड़ के फ़ेस मेकअप के लिए बहुत ही अफोर्डेबल हैं ओवरऑल आई विल अचीव दिस लुक एंड विल शो यू गाइज दैट हाउ यू कैन डू दिस एट योर होम सो वैसे भी आजकल शादियों का सीज़न शुरू हो चुका है तो आप लोगों में से बहुत से लोग हैं जो क्यूरियस होंगे मेकअप लुक सीखने के लिए जो पार्लर्स में जाना पसंद नहीं करते या इतने ज़्यादा ओबियसली पैसे लगाना पसंद नहीं करते तो वो लोग घर में बैठे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ नोट द हाई एंड ब्रांड्स अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ अपना बहुत प्यारा मेकअप कर सकते हैं और जाए रिश्तेदारों की शादियों में अपना इस तरह का मेकअप करके जाएं अपने दोस्तों की शादियों में जाएं और शादी अटेंड करें और बग़ैर पैसे लगाए ठीक हो गया ना तो घर पे सीखे और घर पे करें मेकअप और जो लोग शादियां कर चुके हैं या जिनकी शादियां होने वाली हैं उन लड़कियों के लिए भी ये ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि आपको एक ग्लैमरस सा नॉट रियली ग्लैमरस नॉट रियली नेचुरल आप लोग तो उन लोगों का एक नॉर्मल सा प्यारा सा मेकअप लुक चाहिए होता है शादी के बाद एक्चुअली में ताकि आप रोज रोज त्यार होकर घूम फिर सकें ससुराल में तो इस वजह से आप लोगों के लिए ये ट्यूटोरियल है ठीक हो गया तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने अपना ये आई मेकअप कैसे किया इट्स लाइक अ ब्लू स्मोकी ग्लिटरी आई ठीक है आई मेकअप लुक नॉट आई आई मेकअप लुक सो इफ यू वांट टू नो दैट हाउ आई जस्ट अचीव दिस ब्यूटीफुल मेकअप लुक देन प्लीज कीप वाचिंग एंड स्टे यूर गाइस तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आई मेकअप से जिसके लिए मैंने मॉर्फी एक्स जेम्स चार्ल्स पैलेट ली है जिसमें से मैं कुछ अपने पसंदीदा आई शेडोज़ यूज़ करने वाली हूँ और आप लोग ने मेरा मेकअप लुक तो देखा ही तो इट विल बी अ ब्लू आई शेडो जो एक लाइट सा ब्लू है डार्क आई शेडो मैंने नहीं लिया बिकॉज मुझे एक सटल सा नेचुरल सा लुक करना है और ग्लैमरस सा बहुत ग्लैमरस नहीं थोड़ा थोड़ा नहीं तो बस इसलिए लाइट लाइट सा लिया ठीक हो गया ना क्योंकि मैंने इसको स्मोकी बनाना है तो बाद में इसमें ब्लैक मिक्स करके वो थोड़ा सा डार्क ही हो जाएगा तो इसलिए मैंने अभी इसको हल्का सा लाइट ही रखा है मतलब लाइट ही रखा है ठीक <laughs> हो गया तो मैंने इस लाइट शेड को लेके अपने आउटर कॉर्नर पर अप्लाई कर लिया है अब मैं लूँगी एक शिमर टाइप ब्लू आई शेडो ठीक है उसको मैं अपने पूरी आई लिड पर अप्प्लाई कर लूँगी जो क्रीज़ एरिया होगा मेरा ठीक है क्रीज़ एरिया से नीचे नीचे अप्लाई करना आपने क्योंकि क्रीज़ एरिया में और आउटर कॉर्नर में तो आ गया ना मेरा जो लाइट सा मैंने आई शेडो मैट आई शेडो लिया था ठीक हो गया तो अब उसके बाद ये वाला शिमर अप्लाई करके उसके बाद मैं ये कैलिन के एक ग्लीटर्स है इट्स लाइक अ चंगी ग्लीटर्स नॉट रियली पाउडरी तो लेकिन ये बहुत नाइस ग्लीटर्स हैं लाइक मल्टी ग्लीटर्स यू नो के शेड आते हैं इसके अंदर तो मैं इसमें ये एक ब्लू शेड ले रही हूँ जिसके अंदर ना मैंने जब ये लगाया था ना तो और भी शेड आ रहे थे लाइक गोल्डन सिल्वर इस तरह के तो ये बड़े नाइस मुझे नाइस से इस लुक के लिए बहुत अच्छे लगे ये ग्लिटर्स ना तो इसलिए मैंने अप्लाई किए हैं उसके बाद मैंने देखिए एक ब्लैक आई शेडो लिया है जिसको मैं अपने आउटर कॉर्नर पर ही अप्लाई करूँगी मैंने ज़्यादा अंदर नहीं लेके जाना बहुत ज़्यादा आपने इनर कॉर्नर तक नहीं लेके जाना ठीक है आपने सिर्फ़ अपनी एरिया पर लगाना है उसके बाद मैं मे का इनका वाटर प्रूफ आई ले रही हूँ उसकी फुल नेम मुझे नहीं याद मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी उसके बाद मैं टैटी लैशेस ले रही हूँ ठीक है आप कोई सी भी लैशेस ले लें जो आपको सूट कर रही हूँ आपके लुक के हिसाब से तो अब मैंने जो अपनी टेप थी वो मैंने उतार दी है टेप हम इसलिए लगाते हैं ताकि थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन आ सके और बाद में आपको कंसीलर से उसको स्ट्रेट करना ना पड़े उसके बाद जो नीचे एक्स्ट्राज आई शेडोज थे और सारा कुछ था वो मैंने साफ़ कर लिया है उसके बाद मैं अपनी करूँगी आई लैशिज अप्लाई और आप देख सकते हैं कि आई लैशिज अप्लाई करने के बाद कितना अच्छा आई लुक हमारा कंप्लीट हो चुका है अब इसके बाद मैं शुरू करने वाली हूं अपना फेस मेकअप ठीक हो गया फेस मेकअप के लिए मैं यूज करूंगी प्रो कंसीलर एलेगल का और ये बहुत ही नाइस कुरक्टर है इट्स नॉट ए कंसीलर एक्चुअली सो कहते कंसीलर ही हैं बट ये एक्चुअली में करैक्टर है ठीक है इसके कन्सीलर्स में करैक्टर के शेड्स भी आते हैं तो आप कोई सा भी करेक्टर यूज़ कर सकते हैं इस इसके कंसीलर्स में से तो इस ये मेरे पास जो शेड है ये है पीची करैक्टर ठीक हो गया तो आप अगर आपका शेड बहुत ज़्यादा डार्क है कम्प्लेक्शन डार्क है तो आप लोग औरेंज शेड यूज़ करें अपने आई अंडर आइज़ को करेक्ट करने के लिए अपनी पिगमेंटेशन को करेक्ट करने के लिए ठीक हो गया तो अब हमने इसको अप्लाई कर लिया है जहाँ जहाँ मेरी पिगमेंटेशंस है जहाँ जहाँ मेरे डार्क स्पॉट्स हैं मैंने वहाँ वहाँ इस पीची शेड को अप्लाई कर लेना है ठीक है और अपने उस जगह को करेक्ट कर लेना है और अच्छे तरीके से ब्लेंडर लेके कोई भी स्पंज लेके अच्छी तरीके से इसको अपनी स्किन में जो है मैंने ब्लेंड कर लिया उसके बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ फाउंडेशन ये है मे की सुपर स्टे फाउंडेशन इट्स अ फुल कवरेज फाउंडेशन और ये आपके वाकई ट्वेंटी फोर बाई सेवन सुपर स्टे रहती है तो आई रियली रिकमेंडेड दिस फाउंडेशन और आपको यूज़ करनी चाहिए लेकिन आजकल थोड़ा मैं जब वीडियो लगा रही हूँ तो आजकल मैं थोड़ा आ, फ्रेंच प्रोडक्ट्स का बाइकआउट चल रहा है ये मैंने पहले से ली हुई थी इसलिए मैं यूज़ कर ली तो आप चाहे तो इसके आ, कोई भी अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं मे बी लेन अगर आप नहीं भी लेना चाहते फ्रेंच प्रोडक्ट ठीक हो गया तो इसके बाद मैंने अपना ऑफ कैमरा किया ब्लेंड अपनी फ़ाउंडेशन को और आप देख सकते हैं मेरी फाउंडेशन कितनी नाइसली ब्लेंड होगी और परफेक्ट लग रही है उसके बाद मैं लॉरियल का ही यूज़ कर रही हूँ कंसीलर जैसा कि मैंने बताया मैंने वीडियो ये बनाई थी ये कुछ क्राइसिस से पहले तो मैं ये लॉरियल और मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं मैंने तब यूज़ किए थे आप यू पड़े हैं आपके पास तो यूज़ कर लें लेकिन वो जो चल रहा है ना कि नया आ, के फ्रेंच बाय कोट करना है फ्रेंच प्रोडक्ट्स का तो आप न्यू मत खरीदो आपके पास कोई चीज़ पड़ी है तो आप वो यूज़ कर सकते हो ठीक है क्योंकि आपके पैसे लग गए हैं उससे किसी चीज़ को कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं तो मैं अब इस कंसीलर को आप लोगों को ये बात मेरी समझ आ गई तो अब मैं आप लोगों को मैं मजीद एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि फ्रेंच प्रोडक्ट का क्या सीन है ठीक हो गया अब मैं इस कंसीलर को अपने सारे कंसीलिंग एरियाज़ पे लगा के अंडर आइज़ और अपने नोज़ पे अपने पिगमेंटेशन एरियाज़ पे जहाँ मैंने पिगमेंटेशन uh, को कवर करने के लिए कुरक्टर लगाया था सब जगह लगा के अच्छी तरह से इसको ना मैं ब्लेंड कर लूँगी और आप देख सकते हैं कि बहुत नाइस nice कंसीलर वैसे तो uh, तो इसलिए ये बहुत अच्छा ब्लेंड होता है अपने स्किन में ठीक हो गया उसके बाद मैं नैक्स का यूज़ कर रही हूँ कुरक्टर नो इट्स नॉट अ करेक्टर कंटोरिंग स्टिक uh, ठीक है ये है हाइलाइटिंग एंड कंटोरिंग स्टिक बट इसका आज मैंने सिर्फ कंटोरिंग स्टिक साइड ही यूज़ की है अपनी कंटोरिंग करने के लिए तो अगर आपकी शेप के हिसाब से आपको पता है कि आपने अपने फेस पे क्या कंटोरिंग uh, करनी है कैसे कंटोरिंग करनी है तो बेस्ट है लेकिन अगर आपको नहीं पता तो यू मस्ट हैव टू Uh, सीखना पड़ेगा आप लोगों को ठीक है आप यू मस्ट हैव टू टेक सम क्लासेस और सम लेक्चर्स ऑन दिस मेकअप क्लास अबाउट कंटोरिंग जस्ट कंटोरिंग ठीक है यूट्यूब से सीख लो यार वीडियो ऑन करो यूट्यूब पे हर जगह वीडियोज़ ही वीडियोज़ हैं तो आप अपनी शेप के हिसाब से ना एक बार अपना सीख लो कि आपकी कंटोलिंग किस शेप पे होनी चाहिए तो उसके बाद मैंने अपनी सारी कंटोलिंग वाली प्लेसेस पे लगा के इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया ऑफ कैमरा और आप देख सकते हैं मैजिक <laughs> ठीक है तो उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फेस पाउडर और मैं ये यूज़ कर रही हूँ क्राइलॉन का आपको बहुत ही ईजीली ये पाकिस्तान में मिल जाता है क्राइलॉन का पाउडर जो कि बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था और सारा इधर उधर गिर रहा था बिकॉज मैंने इसको उल्टा खोल लिया था ठीक है तो वो वो सारा मैस हो गया आप शक्ल मेरी देख सकते हैं कि मैं क्या हालत थी उस टाइम मेरी झाड़ती <laughs> फिर रही थी मैं ठीक हो गया अच्छा चलो मैंने तो कर ही लिया अब मैं लगाती हूँ पाउडर अपने उन एरियाज़ पे जहाँ पे मुझे बेकिंग की ज़रूरत है अब का जो पाउडर होता है वो करता है आपके फेस की बेकिंग ठीक है आपकी बहुत ज़्यादा क्रीजिंग होती है तो आप उस उस एरिया पे अपने ये फेस पाउडर लगाएं ठीक है लूज़ पाउडर लगाएं और उसको मैक्सिमम टू टू थ्री मिनट्स के लिए छोड़ दें अगला स्टेप कर लें आप मेकअप का और उतनी देर उसको पाउडर को छोड़ दें वो आपकी बेकिंग हो जाएगी उसके बाद आप उसको अच्छी तरह से झाड़ दें ठीक है लेकिन अगर आपकी बहुत ज़्यादा क्रीजिंग नहीं होती तो आप उसको एक ब्रश से सटल सा लुक देने के लिए बस उसको अप्लाई करें और उसको साथ साथ झाड़ते रहें तो वो बहुत ज़्यादा केकी नहीं होगी आपकी फ़ाउंडेशन ठीक है और वो बहुत ज़्यादा बेकिंग बेकिंग नहीं होगी तो केकिंग नहीं होगी ठीक हो गया तो इसलिए मैंने सिर्फ ब्रश के साथ किया ताकि मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई ना लगे स्किन और बहुत ज़्यादा केकी ना हो जाए उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एलेगल का <coughs> एलेगल का ब्लश पैलेट ठीक है ये आई लव दिस पैलेट ये बहुत प्यारा पैलेट है और बहुत अफोर्डेबल है आपको कहीं से भी मिल जाएगा मतलब किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगा और मैंने इसके दो शेड्स को ब्राउनज़र को और लाइट पिंक शेड को मिक्स करके मैंने अपने ब्लश ऑन के एरिया पे लगाया है ठीक है आपने अपने स्माइल करते हुए लगाना है हमेशा हमेशा ब्लश जो होता है ना वो स्माइल करते हुए लगाएं ताकि आपका एक जो स्माइलिंग फेस है ना वो ज़्यादा पिंकी पिंकी आए और आपको पता चल जाए लाइक ये बस एक वो कह लो रूल है कि आपने स्माइल करते हुए ब्लश लगाना है उसके बाद मैं यूज़ करी हूँ स्लीक का हाईलाइटेड पैलेट जो कि मेरा बहुत फेवरेट है लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा मैंने अप्लाई नहीं किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड एंड एंड आई लव दैट प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड होता है उसके बाद मैंने अपने लिप्स जो थे ऑफ कैमरा कर लिए थे और यहाँ मेरे कंप्लीट हो गई लुक तो भाई ये था आज का लुक ठीक है आप लोगों ने देखा कैसे मैंने सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज करके एक बहुत ही प्यारा सा नॉट रियली ग्लैमरस नॉट रियली नेचुरल बट एक नॉर्मल सा मीडियम सा एक प्यारा सा मेकअप लुक अचीव किया है जो कि आप लोग सब कर सकते हैं आप लोग सीखे इस ट्यूटोरियल से कुछ पूछना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं मैं आप लोगों का रिप्लाई करूंगी और आप लोगों की हेल्प करूंगी ठीक हो गया तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो आज की पसंद आई होगी आप लोगों को ये मेकअप लुक पसंद आया होगा इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और हाँ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलेगा इस तरह से आप लोगों को मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो एमन की वीडियो आ गई है यूट्यूब पे so, इसलिए ओके okay जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है अपना बहुत सारा ख्याल रखें अल्लाह हाफिज बाय बाय